गुड इवनिंग एवरी वन हाँ जी हिबू जी कह रहे हैं आजकल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं मत पढ़िए अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है पढ़ना अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक पर्पज है अगर आपको वो पर्पज क्लियर है कि आपको लग रहा है हाँ हमें उस पर्पज के लिए मेहनत करना जरूरी है तो जरूर पढ़िए नहीं लग रहा तो मत पढ़िए कोई जबरदस्ती नहीं है ठीक है सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है मेन चीज है समझदारी समझदारी होनी चाहिए बस अपन जो पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं अगर आपका पैशन है कंपटीशन तो पढ़िए नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़िए हजारों तरीके हैं ठीक है चलिए जी आ गए सब लोग कहाँ रह गए अभी भी नहीं आए औरइट अक्टूबर का डिस्कशन कर रहे हैं कोशिश करेंगे आज अक्टूबर का करेंट अफेयर्स कंप्लीट करने की ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पिछला कुछ रिवाइज कर लेते हैं देखें कितना याद है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक ट्वेंटी वन बीन ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज बताइए द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज बीन ऑर्गेनाइज बाई विच ऑफ दूल गए गुड इवनिंग लग रहा है बुझी वाकई में चले गए क्लास छोड़ के <coughs> आंसर क्या है इसका ए या सी है जी All right. तो जी मन तो हो रहा है आपका पढ़ने का तभी तो आप हैं यहाँ पर देखिए मेन चीज होती है पढ़ने के लिए पैशन ग्रो करना होता है हमें सबसे पहले जो हम लोग सबसे बाद में करते हैं सिर्फ पढ़ने बैठ जाते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा आपको एक पैशन बनाना पड़ेगा एक अपने अंदर रीजन क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना ये मैराथन से कम नहीं होती एक लंबे ड्यूरेशन तक आपको कॉन्स्टेंटली एक जगह टिक कर पढ़ते रहना ये कोई मामूली बात नहीं है बट फिर भी इसके लिए तो ये तभी आप कर पाएंगे जब जब आपके अंदर एक एक पैशन होगा एक रीजन होगा रीजन कि मैं करना क्यों चाहता हूं। जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है तो पहले इस बात की आप क्लैरिटी सोचिए मुझे करना क्यों है जब आपको रीजन दिखेंगे कि हाँ मुझे ये करना है इसलिए करना है तब आपको फिर एग्जाम में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ने का मन ना करे क्योंकि अप्स एंड डाउन ये इसके पार्ट हैं कोई भी कंपटीशन की तैयारी करिए एक टाइम ऐसा आएगा लगेगा कि हाँ वो अपने बेस्ट टाइम पर हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा लाओ अगली साल हम एग्जाम ही छोड़ दें ठीक है ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि हम लोग तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पर एग्जाम ही नहीं देने जाते क्योंकि हमें लगता है हमारी तैयारी नहीं तो इस तरह के अप्स एंड डाउंस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा रीजन क्लियर हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जब रीजन क्लियर होगा तो अपने आप मन लगेगा चलिए जी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सीआईआई ठीक है करेक्ट आंसर क्या है सीआईआई फ्यूचर टेक ऑर्गेनाइज करा है सी आई आई आगे देखते हैं डिजी सक्षम स्कीम टू एम्पावर जॉब इन एन इंक्रीजिंगली टेक ड्रिवन इकोनॉमी बताइए है हा करेक्ट आंसर इज मंत्रालय ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली जयनगर कुर्सा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हैज हैजिन बिल्ड बाय इंडिया इज हैंडेड ओवर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका बताइए अभी ये पढ़ाई था कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन नेपाल करेक्ट आंसर इज नेपाल ऑन विच डे सिक्सटियथ रेजिंग डे ऑफ द आई इज सेलिब्रेटेड सिक्सटी रेजिंग डे ऑफ आई टीबीपी किस दिन सेलिब्रेट होता है आज पॉपुलेशन कम आइए कहाँ आज कोई फेस्टिवल है क्या अरुणाचल में डे hmm, है आज तो सब वहीं गए हैं क्या सेलिब्रेशन में ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फोर अक्टूबर ऑलराइट राइट तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से रिलेटेड डिस्कस करा था और इसको कौन रिलीज करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करता है ठीक है <coughs> तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था तो लास्ट क्लास में इसके आगे वाज सेलिब्रेटेड <coughs> कोई दिक्कत नहीं नेट स्लो है कार्टूनिस्ट की बात आ जाए तो एक ही पर्सन का नाम याद आना चाहिए आपको

इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर <coughs> नहीं आप अपनी पेस पे चलिए कोई दिक्कत नहीं <coughs> बढ़िया थंगम जी <coughs> नहीं जी करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के यूएसए नहीं है मतलब resilient. Resilient मतलब समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जो झेल सके ताकतवर ठीक है जो रेजिस्ट कर सके डैमेज को जैसे हम लोग कहते हैं डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाई जाए अर्थक्वेक रेजिलियट बिल्डिंग बनाई जाए यानी ऐसी बिल्डिंग जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए तो resilient island states बनाने की बात हो रही है क्योंकि आइलैंड्स को सबसे ज्यादा खतरा होता है डूबने का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स क्या melt हो रहे हैं मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो पानी किधर जा रहा है ओशियस में जा रहा है तो ओशियन का लेवल राइज कर रहा है तो जैसे जैसे ओशन का लेवल राइज करेगा तो सबसे ज्यादा खतरा किसको है आइलैंड्स को है तो इसी के लिए इंडिया uh, ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च करा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आइलैंड स्टेट्स मतलब इन आइलैंड्स uh, पे हम एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो ओशन लेवल राइज को रोक सके तो ये आपका ले का काम है ठीक है तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव देखो अच्छे अच्छे काम हम हिंदुस्तानी सोचते हैं तो द इनिशिएटिव हैज लॉन्च बाय इंडिया किस किस के साथ मिलकर कर रहे हैं इंडिया यूके

मतलब एक पूरा कोलिशन मतलब एक पूरा ग्रुप है जो डिजास्टर को रेजिस्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगा ठीक है अभी लास्ट के कुछ दशकों में अगर आप देखें कुछ सालों में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है सभी के लिए प्रॉब्लम बना है तो कई स्मॉलेस्ट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स उन्होंने सबसे ज्यादा थ्रेट फेस किया है क्लाइमेट चेंज की वजह से ठीक है जो एंटायर पॉपुलेशन है ये स्मॉल आइलैंड्स की लेस देन फाइव मीटर्स बिलो द सी लेवल मतलब अगर वन थर्ड जितनी भी आइलैंड्स पे पॉपुलेशन रहती है अगर हम उसकी अगर वन थर्ड भी उठा लें तो वो ऐसी पॉपुलेशन है जो सी लेवल से बस पांच मीटर कम दूरी पर है मतलब उनका जो सी लेवल है और उनका जो ग्राउंड लेवल है बस उसमें कुछ पांच मीटर का डिफरेंस है या उससे भी कम तो वहां पर ओशन लेवल जल्दी राइज करेगा फ्लड की सिचुएशन बनेगी तो पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा अब दुख की बात यह है कि जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात आती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो आज खतरे में हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस एमिशन जो बड़े बड़े कंट्रीज कर रहे हैं बट फिर भी क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला नुकसान इन्हीं को होता है आर तो ज्यादा और ऊपर से जो सबसे बड़ा सबसे जल्दी इंपैक्ट किसको देखने को मिलता है इन्हीं आइलैंड्स को देखने को मिलता है इसलिए इंडिया ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आयरिस ठीक है और सी डी आर आई क्या है फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी इंडिया ने लॉन्च किया मोदी जी ने लॉन्च किया था सेप्टेम्बर ट्वेंटीन में जब क्लाइमेट एक्शन एक्शन समिट हुई थी न्यूयॉर्क यूएस में यहां पर हम क्या करेंगे नॉलेज जनरेट करेंगे और उसको एक्सचेंज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ताकि डिजास्टर और क्लाइमेट से रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ट्वेंटी फाइव अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी इटली जो क्लाइमेट चेंज स्पेयर की अगर हम बात करें जैसे क्लाइमेट चेंज स्पेयर में आपका कॉप मीटिंग्स होते हैं ठीक तो है तो उनमें इस तरह के जो स्पेयर है तो सी डी आर आई इज अ सेलेब्रेशन से तो क्लाइमेट चेंज स्पेयर में अगर बात करें अगर कभी भी आपसे पूछे की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडिया ने किन किन चीजों पर ज्यादा काम किया है तो अगर हमने इनिशिएशन में अगर बात देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी हमने बनाया और इसके बाद दूसरी चीज हमने क्या बनाई सी डी आर आई ठीक है पॉल्यूशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या सी डी आर आई हो ये दोनों किसने बनाए हैं इंडिया ने बनाए हैं ये दोनों क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इनिशिएटिव्स किसके हैं इंडिया के हैं तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है अपने दो इनिशिएटिव है तो दुनिया क्या कर रही वो पता हो ना पता हो बट एटलीस्ट इतना पता हो कि हम क्या कर रहे हैं क्लियर है, है तो इसमें काफी कुछ हमने देखा आयरिस के बारे में पढ़ा ठीक है आयरिस के बारे में पढ़ा सी के बारे में पढ़ा आइलैंड नेशन के बारे में पढ़ा तो काफी कुछ जानने को था इसमें हाँ जी मजदूम जी गरम पानी भी पी रहा हूँ तुलसी भी ले रहे हैं सभी चल रहा है ताशी रेले किसान शेयरिंग की हाँ बड़े दिनों के बाद दिख रहे हैं कहाँ चले गए थे आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री हु इज द विनर ऑफ द फिफ्टी फिफ्थ फिफ्टी सॉरी फिफ्टी फर्स्ट दादा साहेब फॉल्के अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी बताइए हु इज द विनर ऑफ दिफ्टी फर्स्ट दादा साहेब फॉल के अवार्ड फॉर द इ्वेंटी नाइनटीन बताइए हाँ जी थलाईवा रजनीकांत ठीक है करेक्ट आंसर इज रजनीकांत दादा साहेब फालके का नाम याद रखिएगा ठीक है ये जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है दादा साहेब फालके अवार्ड और दादा साहेब फालके अवार्ड को कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ये आपका डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन है देख लो जीके में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहेंगे दादा साहेब फालके को इन्होंने ही अब इनको क्यों कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ऑब्वियसली पहली फिल्म बनाई थी कौन सी पहली फीचर फिल्म इन्हीं की थी राजा हरीश तो इन्हीं की याद में 1969 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था दादा साहेब फॉल्के अवार्ड अवॉर्ड तो जो फिफ्टी फिफ्ट फिफ्टी अवार्ड है वो किसको दिया जाएगा द लेजेंडरी एक्टर रजनीकांत

जो 2022 में आईपीएल होने वाला है उसमें दो नई टीम आ जाएंगी अहमदाबाद की लखनऊ की फाइनली जाके यूपी से कोई यूपी के शहर के नाम से कोई टीम बन रही है बड़ी चर्चा में थी ये बात यूपी से कब टीम बनेगी तो फाइनली जाके यूपी में कोई टीम बनने जा रही है ठीक है अहमदाबाद और लखनऊ की दो टीम्स आ रही है <laughs> तो वही दस टीम्स होती है आईपीएल बोले तो एक ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट लीग है ट्वेंटी ओवर्स का एक गेम होता है इंडियन प्रीमियर लीग इस कौन करवाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया शॉर्ट में बोले तो बीसीसीआई करवाता है 2007 से स्टार्ट करा था। जनरली मार्च से मई के बीच होता है हर साल होता है ठीक है और टेन इंडियन सिटीज के नाम पे इसको करवा दिया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव हु ऑथर्ड द बुक कमला हैरिस फेनोमिनल वीमेन एक किताब कमला हैरिस पे भी लिखी गई है कमला हैरिस हैरिसमिनल विमेन तो किसने लिखी है ये बताना है आपको बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है इस पे सवाल आते रहते हैं ठीक है तो बुक्स एंड ऑथर्स एक अलग से सेक्शन तैयार करना है आपको और ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े उन सबको बुक्स एंड ऑथर के सेक्शन में डाल देना है तो किताब है कमला हैरिस हैरिसमिनल विमेन आपको इसके ऑथर का नाम बताना है हर्षा भोगले सीरियसली ऐसा क्यों लगा करेक्ट आंसर इज ठीक राजघाट्टा चिदानंद तभी जनवरी में हमने देखा कि कमला हैरिस बन गई है यूएसए के इतिहास में पहली महिला है वो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजिशन पे पहुंची है ठीक है <coughs> तो उन्हीं के रिलेटेड एक कहानी है ये ठीक है

ठीक है मतलब उनका जो एटीट्यूड है एक बैरियर तोड़ रहा है क्यों क्योंकि वो आ, क्या कहते हैं वाइट रेस से नहीं है ठीक है तो जो वाइट रेस की सुप्रीमेसी यूएसए में बोली जाती है वो उससे अलग है वो उससे डिफरेंट है तो ही इज शी इज अ विमेन ऑफ कलर विमेन ऑफ कलर उनको कहते हैं जो नॉन वाइट लोग होते हैं अगर कुछ अच्छा करते हैं वो तो उनको क्या कहते हैं विमेन ऑफ कलर तो चिदानंद राजघाटा इंडियन है ऑब्वियसली अगर इंडिया वाले लिखेंगे तो उनके इंडिया के कनेक्शन से रिलेटेड चीजें लिखेंगे तो सेम चीज चिदानंद राजघाटा ने लिखी उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी सिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू बाई एम के फिफ्टी बताइए एम के फिफ्टी हम कहा से खरीद रहे हैं <laughs> देखिए लेक्चर अगर आपको लगता है आपके थोड़ा भी भला आ रहा है फायदा दे रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए ठीक है ताकि और लोगों तक भी हमारा ये इनिशिएटिव पहुंच पाए और लोग भी इसमें कनेक्ट हो पाए क्योंकि जहां तक अरुणाचल की बात है हमारी पूरी बेस्ट कोशिश रहती है कि आपको ऐसा करंट अफेयर्स मैं नहीं मानता शायद ही कहीं आपको मिलता हो तो एक बेस्ट कोशिश रहती है कि, कि करंट अफेयर्स अः रिलेटेड भर भर उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके पीछे छुपे हुए जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो जनरली आपको किसी जी के बुक में नहीं पढ़ने को मिलते हैं ठीक है या पढ़ने को मिलते तो हम उन्हें इग्नोर कर देते तो वो सारी चीजें हमारी कोशिश रहती है आपका इस करेंट अफेयर्स में करवाई जाए ठीक है तो आपको ये कोशिश करवाने से पहले मैं भी एक बार इस पे पढ़ता हूँ उनको कनेक्ट करते हैं ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज दे तो आप ये मान के चलो अगर 136 क्वेश्चन आपने इस करेंट अफेयर्स में करे हैं ना तो 136 के तीन गुना कर दो क्योंकि एक एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाए हैं ठीक है एक एक क्वेश्चन से उनके पीछे के जो भी फैक्ट्स है वो सब मैं आपको पीडीएफ में अरेंज करके दे रहा हूँ ठीक है तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको कि आप किसी भी एग्जाम में बहुत बेझिझक करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो, टॉरपेडो कहां यूज होते हैं देखो, में यूज होते हैं ठीक है टॉरपेडो क्या होते हैं एक तरीके से की मिसाइल्स होती हैं ये देख रहा धुआं छोड़ते हुए तो मिसाइल्स ऑफ़ तो हमने जो एम के फिफ्टी फोर टॉर्पेडो है वो कहां से मंगाए हैं याद रखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर कंसल्ट एप स्पेलिंग यही है ठीक है लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इज अ कैसी ऐप है <laughs> अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कंसल्ट ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करी है एक क्वेश्चन ऐसे भी बन गया कि ये यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च करी है बट ये किससे डील करती है ठीक है तो एक ही कंसेप्ट से कई तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो आपको क्वेश्चन रटने नहीं है अरे नितिन गडकरी को देख के सड़क याद नहीं आनी चाहिए हमेशा है ना मतलब ये नहीं कि नितिन गडकरी दिखे तो मतलब सड़क याद आ गई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रोड की बात करते हैं उसके अलावा भी बात करते हैं ¿Qué me हाँ जी इट इज नॉलेज ऐप ठीक है कंसल्ट ऐप जो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करी है ये क्या है है, 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 एक पहली global facility है, आ, मतलब एक पहली मतलब तरीके से Google कुछ बनाने की कोशिश करी जिसमें जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए एडवाइस चाहिए काउंसलिंग चाहिए गाइडेंस चाहिए तो वो एक्सपर्ट्स से ले सकते हैं इन मल्टीपल सेक्टर्स ऑन द गो मतलब एक ऐसा पूल बना देंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट बैठेंगे आप यहाँ करते हैं तो आपको जो भी एडवाइस चाहिए अपने अपने जिस भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट से से चाहिए, गडकरी तो तो ने लॉन्च किए मतलब नितिन गडकरी दिखेगा मतलब ये नहीं कि सड़क ही होगी <laughs> हाँ वही चीज नहीं मैं समझ गया था वो नहीं अगर ये क्वेश्चन आएगा ना मैं बता रहा मतलब तो हूँ कभी -कभी आप, नहीं करके आप, 1 में आप किसको लिख के आएंगे नॉलेज ऐप को लिख के आएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट इंडिया रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम फॉर मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री

बी आंसर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम क्या होता है <coughs> होता कुछ नहीं एक रेडियो यहाँ लगा होगा एक रेडियो यहाँ लगा होगा तो रेडियो से आने वाले सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट कर देंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल पे यूज करके एक आईपी एड्रेस पे चली जाएगी वो चीज ठीक है एक आईपी एड्रेस का यूज करेंगे ताकि लॉन्ग डिस्टेंस को हम कवर कर सके तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब हम एक आईपी एड्रेस यूज करेंगे दो रेडियो के कनेक्शन के बीच में बाकी ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखिए कहाँ लॉन्च हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर लॉन्च हुआ है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पोर्ट इन कोलकाता है फर्स्ट मेजर इंडियन पोर्ट टू गेट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ठीक है चार स्टेशन होंगे इसके कोलकाता हुगली पॉइंट हल्दिया सागर पायलट स्टेशन कोई नहीं सी पे तुक्का था कोई बात नहीं सही हो गया तुक्का वाइन इज द विजिलियंस अवेयरनेस वीक 2021 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन शायद इस तरह का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक पे तो बताइए It is celebrated every year. Din. सी आंसर। रियली, चौबीस अक्टूबर भैया छब्बीस अक्टूबर है ठीक है छब्बीस अक्टूबर हर साल सेलिब्रेट होता है ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है इस बार बहुमत गलत हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर यह आपको विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट होता है जिनको मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी माना जाता है तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कौन करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ठीक है तो विजिलेंस कमीशन का काम क्या रहता है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना ठीक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का पर्पस है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना तो लोगों को अवेयर करना अगेंस्ट द करप्शन यही काम है इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक का तो इस बार जो सेलिब्रेट होगा या हो चुका है 26 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 नवंबर के बीच और थीम थी इंडिया एट द 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी ठीक है थीम पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो थीम याद रखना डेट याद रखना कब से कब तक हुआ और थीम याद रखिएगा, ठीक है किसका बर्थडे था सरदार वल्लभ भाई पटेल तो तीन जानकारी आपको लिख देनी है विजिलेंस अवेयरनेस वीक से क्या क्या थीम डेट और ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है इस तरह से चीजों को सेग्रीगेट करके काम की बातें अपने हिसाब से लिखनी होती है तो ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर से नवंबर वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 140 शफकत मिज़ियोव हैज रिसेंटली गॉट रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शफकत जी किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने जल्दी से आंसर दीजिए चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ उज़बेकिस्तान आप बस ये बताओ कैपिटल क्या है उज़्बेकिस्तान की ठीक है आपको क्या बताना है उजबेकिस्तान की कैपिटल आप तो बस कैपिटल बता दीजिए उजेकिस्तान के हाँ जी कैपिटल इज ताशकंद बहुत सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रिसेंटली अ प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग लोन एंड एडीबी एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने एक लोन साइन किया है टू सपोर्ट अर्बन मोबिलिटी स्टेट में एडीबी लोन सैक्शन कर रहा है इंडिया को ठीक है तो वो कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन बताइए एडीबी लोन सैक्शन कर रहा है भैया तो कौन से स्टेट को कर रहा है बताइए आसम awesome. गलत जवाब करेक्ट आंसर इज मिजोरम मिजोरम की कैपिटल याद है कि नहीं है आइजॉल ठीक है मिजोरम की कैपिटल आइजॉल अच्छा मिजोरम की हाईएस्ट पीक याद है किसी को पढ़ चुके हैं हम मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन बताता है है कोई देश का जिम्मेदार नागरिक जो मिजोरम की हाईएस्ट पीक बताए मणिपुर भाई मिजोरम ठीक है <coughs> आपको क्या बताना है मिजोरम की हाईएस्ट पीक जल्दी बताइए हाँ जी हाईएस्ट पीक इज ब्लू माउंटेन भी कहते हैं ठीक है थीके? ब्लू कलर से लिख रहे है, ब्लू माउंटेन ये भी आपकी मिजोरम की हाईएस्ट पीक काउंट होती है इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड बात याद रखिएगा ये कब बनी थी 1966 सिक्सटी सिक्स में ठीक है 19 दिसंबर 1966 सिक्सटी सिक्स में बनी थी और हेडक्वार्टर याद रखना है हेडक्वार्टर इसके कहाँ है मनीला फिलीपींस में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है मनीला फिलीपींस में एक अगर एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना चाहते हैं तो आप ये याद रख सकते हैं एडीबी के जो फाइव लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन से नंबर वन और टू जापान एंड यूएस ठीक है दोनों कितना होल्ड करते हैं फिफ्टीन होल्ड करते हैं इस बैंक में ईच 15.6 परसेंट जापान का है 15.6 परसेंट ही यूएस का है ठीक है तो दोनों बराबर के और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं फिर इसके बाद आता है चाइना तो जापान हो गया यूएस हो गया फिर हो गया चाइना और चाइना से जस्ट थोड़ा ही कम है हमारा इंडिया का कितने हो गए चार हो गए फिर है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया तो टॉप तो फाइव शेयर होल्डर्स कौन है एडीबी के देखिए जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना डीप में जा जाके ऐसे खेच खेच के खाल में से बाल वाले तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है क्योंकि यूपीएससी के लिए वैसे ही ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है तो ये थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा एडीबी के जो पांच सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं जापान है यूएस है चाइना है इंडिया है, है और ऑस्ट्रेलिया है भले आप नंबर मत याद रखना कि कितना परसेंट जापान होल्ड, होल्ड करता है कितना यूएस होल्ड करता है ठीक है तो ऐसे याद रखो एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन है सबसे पावरफुल कंट्री कौन है एशिया में जापान है ठीक है फिर यूएसए तो हर जगह टांग अड़ाता ही है अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसमें पहला नाम किसका लिखेंगे एशिया के सबसे पावरफुल कंट्री का तो जापान हो गया यूएस हो गया चाइना को आप बहुत देर तो नहीं रोक सकते चाइना हो गया फिर इंडिया भी कोई कम नहीं है तो इंडिया हो गया साथ ही साथ क्वाड की कंट्री में और कौन बचा ऑस्ट्रेलिया हो गया ठीक है तो ये पांच कंट्री कोई टफ नहीं है याद रखना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है आराम से याद रख ले जाएंगे ठीक है हेडक्वार्टर तो बिल्कुल मत भूलना कुछ याद रहना रहा है याद रहना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का है मनीना फिलिपींस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड निम्न में से किसने इंडिया का पहला स्किल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है बताइए स्किल से रिलेटेड कौन सी बॉडी इंडिया में बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड एक पेपर होता है जिसको आप किसी को दे देंगे उसके बदले में आपको वो पैसा दे देगा बॉन्ड मतलब एक रिसिप्ट होती है अगर आपको किसी कंपनी से पैसा लेना है ठीक है तो आप क्या कहेंगे एक किस रिसिप्ट दे देंगे कि हाँ भाई तुम आ जाना अगले साल ये रिसिप्ट मेरे को दिखा देना मैं तुम्हारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा तो जब आप किसी को बॉन्ड बेचते हो तो बदले में आपको रुपये मिलता है ठीक है तो ऐसे याद रखना कुछ भी बेचते हो तो बदले में क्या मिलता है पैसा मिलता है तो बॉन्ड आपने बेचा तो पैसा मिला और बॉन्ड अगर आपने परचेज करा है ना तो मतलब आपने पैसा दिया कुछ भी खरीदते हो तो पैसा देना पड़ता है बेचते हो तो पैसा मिलता है तो बॉन्ड बेचा पैसा मिला तो बॉन्ड क्या होते हैं ये मतलब बॉन्ड की हमने बात कर ली अब डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ बॉन्ड बॉन्ड के नाम पड़ जाते हैं जैसे एक होता है ग्रीन बॉन्ड तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड पैसा उठा रहे हो मार्केट से तो वो ग्रीन बॉन्ड हो जाता है इसी तरह से अगर स्किल्स डेवलप कराने के लिए पैसा उठा रहे हो मार्केट से तो वो क्या कहलाता है स्किल इंपैक्ट बॉन्ड बॉन्ड तो ये किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एन ठीक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो इसकी मदद से इस स्किल इंडिया इंपैक्ट बॉन्ड की मदद से जो एन एस जी सी है वो क्या करेगा फिफ्टी थाउजेंड यंग पीपल को सपोर्ट करेगा अगले चार साल तक जिसके अंदर 60 कौन होगा फीमेल होंगी ठीक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एक अच्छी जगह पर जॉब लग सके लग जॉब कर सके देखिए इंडिया में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजगार नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है यानी रोजगार भी है जहां भी लेकिन वहाँ हमारे पास स्किल्स नहीं है हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है कि हम उस जॉब को उस सर्विस को ज्वाइन कर सके तो उस एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग क्या करें स्किल्स लें और ट्रेनिंग लें आज का एक डायनेमिक टाइम है आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो डिग्रीज की वैल्यू नहीं रह गई है स्किल्स की वैल्यू रह गई है तो आप भी कोई भी भले डिग्री कर रहे हो लेकिन आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपके पास कोई स्किल है या नहीं क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लाइफ सर्वाइव करोगे वो स्किल के दम पे करोगे पहले ऐसा होता था ग्रेजुएशन करी क्लर्क बन गए ये बन गए नौकरी लग जाती थी आज के टाइम में नहीं होता आज का इतना टाइम है आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आपके अंदर कोई स्किल होगा ठीक है तो नौकरी से ज्यादा क्या जरूरी है आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं ठीक है मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर स्किल्स स्किल्ड नहीं होते हैं तो नौकरी नहीं लगती है तो भले आप डिप्लोमा करो लेकिन स्किल लो स्किल होना बहुत जरूरी कोई भी स्किल हो प्लम्बिंग एक अच्छी स्किल है ठीक है डिजिटल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग ये कई सारी आपकी वेराइटीज है, है वहां पर अलग अलग स्किल्स आपको सिखाई जाती है ठीक है तो स्किल होना जरूरी है <laughs> तो इसी के साथ हम बात करते हैं एन की नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये क्या है ये एक देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक कंपनी है मतलब एक सरकारी कंपनी है 2008 तो में बनाई गई थी ठीक <laughs> है 2008 में बनाई गई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में बना था बाद में इसको अमेंड कर दिया गया अब ये कंपनीज एक्ट 2013 कहलाता है ठीक है किसने बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे कभी हम आराम से इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन सा मॉडल होता है ठीक है तो इतनी जानकारी है अगर आपके पास तो बहुत जानकारी है एक परसेंट कॉम्पिटिशन आपके निन्यानवे परसेंट कॉम्पिटिशन को इतनी जानकारी है भी नहीं ठीक है चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री इज द ऑथर ऑफ द बुक्स एम्स में एक जंग लड़ते हुए चलिए ठीक है ये बेकार क्वेश्चन है इससे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने दिया आ, जो अपने अपने एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके रमेश पोखरियाल निशान इनकी किताबे एम्स में ये मतलब इनको कोरोना हो गया था तो बीमार पड़े पड़े क्या करें इन्होंने किताब लिखी एम्स में ज, एक जंग लड़ते हुए ठीक है तो बीमारी के दौरान इन्होंने अपनी किताब लिख दी यू फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक और मोदी जी को देखो अपनी किताब भी गिफ्ट कर रहे हैं देखो मोदी जी अगर कल आपको कोरोना हो जाए तो किताब पढ़ लेना ठीक है मैंने उसी के दौरान लिखी है

इनकी कन्वीनियंस का प्रॉब्लम रहता है जहां भी ये रहते हैं, करने आते हैं तो कन्वीनियंस रहता है।, तो ये कोशिश करते हैं कि हैं। अब है हाँ कुछ भी हो सकता है तो एक स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम निकाली गो ग्रीन स्कीम ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको बढ़ावा दिया जाए जो आम जनता है वो पेट्रोल ग, आ, बाइक छोड़ के क्या खरीदे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे एट सब्सिडाइज रेट्स पे उनको सब्सिडी दी जाएगी सस्ते में उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए जाएंगे ये ये किसकी पॉलिसी है है किस स्टेट की ये पूछ रहा करेक्ट आंसर इज गुजरात तो ये काम कौन कर रहा है गुजरात कर रहा है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने ये स्कीम लॉन्च करी गो ग्रीन स्कीम ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया कम रहे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है ठीक है पेट्रोल महंगा हो रहा है इसलिए सरकार सोच रही है जल्दी से जल्दी इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डाल दो तो पेट्रोल की कंप्लेन ही नहीं आएगी है ना हो गया ना मास्टर स्ट्रोक ठीक है तो ये गुजरात की स्कीम है द स्कीम इज एम्ड एट रिड्यूसिंग फ्यूल बिल्स एंड वो सब बकवास बातें मतलब बकवास नहीं ना मतलब कॉमन सेंस की बातें ये तो हो गई तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स सच एज इंडस्ट्रियल लेबर उनको सब्सिडी मिलेगी थर्टी ठीक है या फिर थर्टी थाउजेंड रुपी मिलेंगी जो भी इनमें से कम होगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सब्सिडी मिलेगी ऋषि उड़ान टू पॉइंट ओ स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड एट हाउ मेनी एयरपोर्ट अक्रॉस कंट्री ऋषि उड़ान टू पॉइंट ओ स्कीम निकाली है सरकार ने पहले उड़ान एक स्कीम आई थी उड़े देश का आम नागरिक ठीक है फिर उड़ान की सक्सेसफुल होने के बाद उड़ान का सिक्वल आया उड़ान टू पॉइंट अब इसी उड़ान टू पॉइंट ओ को किसानों से जोड़ दिया गया जो हम कह रहे हैं ऋषि उड़ान टू पॉइंट ओ तो आपसे वो क्या पूछ रहा है ऋषि उड़ान टू पॉइंट ओ के तहत कितने एयरपोर्ट्स पे हम ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हाँ जी ऋषि उड़ान के तहत ये स्कीम हम कितने एयरपोर्ट्स पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बताइए डी तुक्का ओहो थोड़ा सा बस पीछे चले जाते करेक्ट आंसर इज सी कोई दिक्कत नहीं जो गलती करनी है यही कर देनी है एग्जाम में नहीं करनी है चलिए उड़ान की बात करते हैं तो अभी उड़ान है उड़ने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पिक्चर में आएंगे उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की ऋषि उड़े देश का आम नागरिक टू पॉइंट टू ठीक है तो पर्पज ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है ठीक है उसको हम एयरपोर्ट की मदद से एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रांसफर कर पाए एयर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे तो जल्दी सामान पहुंचेगा उससे दाम अच्छे मिलेंगे तो जो पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं मतलब जैसे टमाटर है पेरिशेबल जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं जैसे धनिया है टमाटर है ये क्या है पेरिशेबल है ये जल्दी खराब होते हैं तो जो हिली एरियाज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पर अगर कोई पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट है और वो चाहता है कि मेन इंडिया की मतलब मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की मार्केट में बेचना चाहता है वो तो लेकिन वो नहीं बेच पाते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो अगर सिविल एविएशन अलाउ कर दिया जाए सिविल एविएशन अगर हमारा अच्छा बन जाए तो ये पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स बहुत ही कम टाइम में आपका हिली एरिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से दिल्ली में आके बिक सकते हैं ठीक है अरुणाचल के टमाटर डायरेक्ट आके कहा बिकेंगे दिल्ली में आके बिकेंगे क्यों क्योंकि अब हम जमीन से नहीं चल के आ रहे हैं हम हवा से उड़ के आ रहे हैं तो दो घंटे में अरुणाचल से टमाटर कहाँ पहुंच जाएंगे दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो इसी इसी चीज के लिए मोदी जी स्कीम लेके आए ओड़े देश का आम नागरिक देखिए मोदी जी आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं है ना ऑब्वियस बात है मेन देखो ये चीज ध्यान रखिएगा पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स के लिए लाएंगे मतलब जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन जल्दी उन्हीं का करना है ना जो जल्दी खराब हो जाती हैं 6 रूट्स फ्लैग ऑफ करें 6 रूट्स बना दिए ताकि एयर कनेक्टिविटी नॉर्थ इस की इंप्रूव हो जाए अंडर द उड़ान स्कीम ठीक है इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 डीआरडीओ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 अग्नि 5 हमने लॉन्च किए तो ये किस कैटेगरी में आती है आपको याद होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने पांच कितनी मिसाइल्स पढ़ी थी पटना पी टी एन ए पांच मिसाइल्स पढ़ी थी पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग ये सब पढ़ी थी तो वही जो अग्नि वाली है तो वो कौन सी मिसाइल है सरफेस टू तो सरफेस है एयर टू तो सरफेस है कौन सी मिसाइल है ये पूछ रहा है अग्नि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है आसान सवाल है लेकिन मेजोरिटी को ये नहीं पता होता है ये मैं बता रहा हूँ ठीक है तो आपको ये जानना जरूरी है ताकि आप औरों से आगे निकल पाए एयर टू सरफेस सरफेस टू सर कॉन्टिनें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बोले तो मतलब एक कॉन्टिनेंट से मतलब अगर हम एशिया से चाहें यूरोप में मिसाइल गिरा सकते हैं एक जो दो कॉन्टिनेंट को पार कर जाए इतनी रेंज वाली मिसाइल तो ऑब्वियसली बात है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होंगी तो इन्हीं के तहत आपका आईसीबीएम बनता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है, करेक्ट आंसर इज सरफेस टू सरफेस अब अग्नि की बात छिली है थोड़ा सा पढ़ लेते अग्नि फाइव अभी तक की सबसे एडवांस सरफेस टू सरफेस इंडिजीनियसली बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है तीन स्टेज की है सॉलिड फ्यूल भी है लिक्विड होता है ठीक है थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल 17 मीटर 17 मीटर टॉल मिसाइल, ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जा सकती है मतलब अगर न्यूक्लियर अटैक करना हो तो भी इसको यूज कर सकते हैं तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है मतलब एक बार अगर फायर कर दिया ना तो रोक नहीं सकते जब तक कोई इंटरसेप्टर मिसाइल आके इसको ना डिस्ट्रॉय कर दे तो एक बार फायर कर दिया फिर आप सोचो कि चलो इसका रूट बदल दें या इसको आ, आ, रोक दें तो नहीं रोक सकते तो इस तरह की मिसाइल्स को क्या कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल मतलब एक बार छोड़ा भूल जाओ अब जो होना होगा देख लिया जाएगा अब जहाँ जाएगी वो जाने आपको क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चला है इंडियन गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको कंसेप्चुलाइज करके इसको मेंटेन किया था तो इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तो पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश ये पांच मिसाइलें हमने इस प्रोग्राम के तहत बनाई शॉर्ट फॉर्म में बनाई थी पटना ठीक है पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग एंड आकाश अब अग्नि की बात करें तो अगर अग्नि फाइव आई है तो अग्नि वन आई होगी टू आई होगी थ्री आई होगी फोर आई होगी तो वही रहा अग्नि वन सबसे पहले बनाई तो इसकी रेंज कुछ एट हंड्रेड थी टू बनाई इसकी रेंज टू थाउजेंड थी थ्री बनाई टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी फोर बनाई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी और अभी तक की सबसे बेस्ट जो है वो अग्नि फाइव है इसकी रेंज है फाइव थाउजेंडर ठीक है मतलब पूरा कॉन्टिनेंट पार कर सकती है आप चाहो तो एशिया से यूरोप भी अटैक कर सकते हो ठीक है पूरा कॉन्टिनेंट पार करके इसीलिए इसको क्या कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक और बन रही है अग्नि प्राइम अग्नि पी अग्नि प्राइम ठीक है जैसे अभी आकाश प्राइम आई थी इसी तरह से एक अग्नि प्राइम भी आ रही है तो ये क्या करेंगे जो अग्नि वन है ना इसी को थोड़ा चेंज करेंगे

अग्नि मिसाइल से अपने पास अग्नि वन की जगह कौन सी आ रही है अग्नि प्राइम आ रही है चलिए तो दी आर द मेन स्टे ऑफ इंडिया न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी न्यूक्लियर अटैक के लिए बहुत कैपेबल है सरफेस टू सरफेस ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसे याद रखो आप अग्नि अग्नि बोले तो फायर आग आग कभी देखा है हवा में जल रही हो आग को कभी देखा है हवा में लगते हुए आग हमेशा कहाँ लगेगी सरफेस पे तो लगेगी तो अग्नि मिसाइल का जो भी काम है सरफेस का ही काम है ठीक है तो ये कैसी मिसाइल है सरफेस टू सरफेस हो गया क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स अब आते हैं वन फोर्टी सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनगरेटेड इंडिया लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन बताइए एरोमेटिक गार्डन मतलब ऐसे गार्डन जहां पे एरोमेटिक फ्लावर्स हो मतलब जो खुशबू देने वाले फ्लावर्स होते हैं, है ना एरोमा मतलब खुशबू से रिलेटेड हाँ जी करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड ध्यान रखिएगा इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन लास्ट क्वेश्चन विच हैज़ लॉन्च मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट फोर ए कैरिड ऑफ बाय एरियन फाइव रॉकेट सायरा क्यूज फोर ए कहा की सैटेलाइट है बताइए क्यूज फोर ए कहा की सैटेलाइट है स्वीडन स्वीडन मिसाइल मिसाइल कहाँ बनाता है उनको क्या करना स्वीडन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया करो कॉमन सेंस है स्वीडन भी स्वीडन कहाँ लड़ते हैं कहाँ मिसाइल बनाएंगे स्वीडन तो इसमें मोस्ट पॉसिबल एलिमिनेशन हो जाएगा आपका हाँ तुक्का लगाने के लिए सबसे बेस्ट है फ्रांस करेक्ट आंसर इज फ्रांस ये सब काम कौन ज्यादा करता है सैटेलाइट वगैरह पे फ्रांस ज्यादा करता है तो स्टेट ऑफ द आर्ट सेटेलाइट नेम साइराक्यूज फोर ए साइराक्यूज फोर किसने लॉन्च किए फ्रांस ने लॉन्च किए ठीक है आर ए आर ए थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करिएगा ठीक है तो इससे होगा क्या जो तो फ्रांस के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे तो वो स्विफ्टली और सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाएंगे मतलब अगर फ्रांस का कोई आर्मी ऑफिसर मान लीजिए एशिया में है. ठीक है अब उनको यूरोप में बैठे ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करना है। तो एक सिक्योर कनेक्शन बनाने का जो ये देखेगी कि ऐसा तो नहीं कि अगर कोई और सैटेलाइट इससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही हो सकता कोई और सैटेलाइट जो इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हो तो उसको भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने का काम

मोटिवेशन अपना डाउन नहीं करना है क्योंकि एक लंबी रेस है अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक अफर्ट आपको देना पड़ेगा ठीक है एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी तभी आपकी ये सारी चीजें आपको काम देने वाली है ठीक है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा और मेहनत करने से नहीं हारना है आने वाले दिनों में हम लोग और भी कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी ठीक है ताकि एक बेहतर तरीके से और बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जा सके ठीक है तो हमारे जो लवासना स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड शेड्यूल बना रखा है उनके लिए भी वीकली टेस्ट अरेंज कर रहे हैं और क्विजेज वग़ैरह भी उनके लिए रहता है ठीक है जी के बूस्टर भी रहता है तो वहाँ पर भी आपका एक उनका भी हमारा टारगेट एक बेहतरीन प्रिपरेशन हम करा पाए ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है हमें आपका एग्जाम निकलवाना है बस वही हमारे लिए मैटर करता है क्योंकि एक बार आप ऑफिसर बन गए तो बस विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी हमारे लिए भी ठीक है चलिए फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं थैंक यू एवरी वन गुड नाइट